अरे हमारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और इस नए ब्लॉग में। और कल रात को हम लोग यहाँ आ गए थे, सोनप्रयाग वहाँ के रुके थे। बहुत ज़्यादा क्या बोले, केदारनाथ से आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए थे। और मेरी पीठ में तो पहले से दर्द चला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ना यहाँ पे टेंट लगाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली थी। और होटल्स वगैरह की रेट का तो आपको पता ही, बहुत हाई है। तो फिर हम लोगों ने ना फिर यहाँ पे रुके हुए हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमारे सामान पड़ा हुआ है इतना सारा, ठीक है। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। यार ये क्लियरिटी नहीं आ रही फ़ोन में। तो दोस्तों, हम लोग है ना वहाँ से निकल गए थे आश्रम से, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे रात को। और अभी त्रिजु की नारायण जा रहे, रास्ते में काफ़ी दूर आ गए यार यहाँ पे, और पैदल पैदल चल रहे यार। बहुत ज़्यादा वजन है, आपको पता है यार, 40 किलो वजन के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखो, ये भूपेश भाई है, ये भी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं अभी। देखो यार कितनी दूर है। और एक हमारे साथ एक लड़की भी है, सोलो ट्रैवलर, तो वो देखो अपना कैंपिंग टेंट साथ में लेके कैसे आ रही है इतना वेट के साथ। देखो यार सच में यार बहुत परेशान हो गया। बने रही भी कंटिन्यू ब्लॉग में यार, पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। तीन लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, तीनों आराम आराम से निकल जाएंगे। ये देखो, और है ना इतनी दूर आने के बाद है ना यहाँ पे ना बर्फ़ के पहाड़ में दिखने लग गए। वो देखो सामने सारे केदारनाथ की जो बर्फ़ के पहाड़ है वो भी दिख रहे हैं, और नॉर्मल वाले भी दिख रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा आया। तो भाई साहब यार बहुत परेशान हो गए यार, थक गए यार चलते चलते यार। अभी जा रहे हैं, कोई ना पहुंच जाएंगे, अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। सो ये भी देखते हैं, और बने रहिए भी कंट्री व्लॉग में यार, बहुत सारी चीज़ें देखने को बाकी। और यहाँ पे देखो जंगल का कितना सुंदर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे है ना कुछ फॉरनर्स है, वो त्रिजु की नारायण से जा रहे हैं। हे ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम नॉट श्योर व्हाट इंटरव्यू, बट आई कैन आस्क यू फॉर लाइक okay. Just the cameras all the time is always a bit like. Where are you from? Yeah, I don't like the cameras all the time. Okay, That's all. Yes, but we have a small YouTube channel, so that's why. Yeah. Enjoy your YouTube channel, enjoy the mountains, guys. Big blessing. Okay, Har Har Mahadev. Mahadev. Mahadev bless you. Bachcha. So दोस्तों यहाँ पे ना ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि फॉरनर्स वगैरह जो जो है ना भगवान की भक्ति में चला होता है ना, या फिर है ना मतलब प्रकृति को नेचर को एंजॉय करते हुए चलता है ना, उस इंसान को मतलब कैमरे पे बोलना अच्छा मतलब अच्छा ही नहीं लगता उसको ना बिल्कुल। मतलब उसने खुद ने क्लियर कर दिया ये चीज़ कि है ना मेरे को ना मतलब पसंद ही नहीं है कि कैमरे के सामने मैं कुछ बोलूँ, इंटरव्यू वगैरह दूँ। बाकी ऐसे आप पूछ सकते हो, बाकी कोई ना। अभी चलते हैं, अभी तो काफ़ी दूर बचा हुआ है यार। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए त्रिजु की नारायण, और यहाँ पे आगे एक कॉलेज है पीछे, ये पीछे की जो बिल्डिंग है वो कॉलेज की है। और देखिए मैडम जी भी, ये भी परेशान होते हुए आगे, और इनको एक दोस्त मिल गया, इसको एक इसका पार्टनर मिल गया। ये देखो पार्टनर तो लंबे पैर फैला के खड़ा हुआ है। ओए ये देखो, और वो देखो अपना भूपेश आगे जगह देखने गया है टेंट के लिए, जगह जगह के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए तो। सो इतनी ऊपर आने के बाद दोस्तों ये देखो सामने स्कूल के बच्चों को ना योगा सिखा रहे हैं, योगा के साथ साथ उधर है ना खेती करना भी सिखा रहे बच्चों को। उधर देखो उंगली के पास वहाँ पे स्कूल की लड़कियों को, जितने बच्चे होते हैं ना सारे लोग खेती करना मतलब जो जो चीज़ होती है ना ज़िंदगी में, जो जीवन में जो काम आने वाली चीज़ होती है, वो सारे के सारे सिखाते हैं। ये देखो अभी योगा करना सिखा रहे पूरा। और ये देखो यार बहुत टफ रास्ता है वाला, टफ तो नहीं है मतलब ईजी है, लेकिन हाँ अभी वेट बहुत ज़्यादा हो गया, 5 किलो और पकड़ लिया हाथ में, टोटल 50 के समथिंग पहुँच गया। यहाँ पे आने के बाद, इतनी दूर आने के बाद कितना खूबसूरत गांव मिला हुआ है। यहाँ पर ये लोग है ना इस तरीके की टोकरियाँ यूज़ लेते हैं, अभी टूट गई है टोकरियाँ तो किसी काम की रही नहीं है, सामान वगैरह ढोने के लिए ऐसे ही यूज़ लेते हैं। बाकी है ना अभी आगे जा रहे हैं हम लोग जगह देखने के लिए, कैंपिंग के लिए ऊपर। बाकी देखो यार वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। बैग वजन ज़्यादा यार, थक गए क्या करें, लेकिन चलना पड़ता। चलो 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 आप चलो, सब लोग चलो। ये देखो, और ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है इसमें ना बहुत जहरीले जहरीले कांटे होते हैं, अगर हाथ लगा दिया ना तो बहुत ज़्यादा आपको है ना मतलब 2-3 दिन तक खुजली नहीं मिटेगी इससे। बाकी देखो, और यहाँ पे लोग है ना इस तरीके से पानी यूज़ लेते हैं नहाने धोने के लिए, इस तरीके से यूज़ करते हैं। टैंक नहीं होते यहाँ पे, झरने होते हैं, झरनों का पानी आता है नेचुरल वाटर। मेरा पानी पी लो। देखो यहाँ पे नहाने धोने के लिए कितनी नेचुरल तरीके से है पूरा, ना कोई सो ये देखो दोस्तों यहाँ पे आके है ना इतनी ऊंचाई पे आके, यहाँ पे आके इतनी अच्छी खूबसूरत जगह मिली हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, बच्चे पढ़ते अभी ऊपर, ठीक है। और ये देखो एक छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे देखो, और ये देखो और पुराने घर,
ये देखो किस तरीके के घर है पुराने। सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई है और हम लोग अपने लिए आटा लगा रहे हैं और कुछ डॉग्स हैं हमारे पास में, ये दिखा देगा डॉग्स वगैरह। तो ये हमारे पास क्या ना, इधर दिखाओ, हमारे पास एक्चुअली है ना आटा लगाने के लिए कुछ है नहीं, तसले वगैरह कुछ है नहीं, जगह नहीं है। तो हम लोग है ना ऐसे ही है ना एक पन्नी के ऊपर आटा लगा रहे हैं। हम लोग राजस्थान के लोग होते हैं ना, वो आटे में नमक डाल के खाते हैं, पता है आप लोगों को। बिना नमक के हम लोग कोई रोटी वगैरह नहीं खाते। जब तक यार आटे में नमक ही नहीं डलेगा टेस्ट क्या आएगा। तो गाइस ये देखो, ये रोटी में ना मस्त भिंडी की सब्जी डाल दी है, इसको करते हैं रोल। रोल कैसे करना है पता है, ऐसे प्याज क्योंकि उसमें ना टेस्ट आएगा उसको। खाते थे यार, तो यहाँ पर भी ले ले मजे इसका।